फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ पे बेस्ड है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो बेस्ड है और इसकी डेवलपमेंट अभी भी हो रही है, जैसे कि आज के टाइम पे लोग वॉइस रिकॉग्नाइजेशन पे काम कर रहे हैं और जिसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो किस चीज़ पे बेस्ड थे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे? तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे एक्चुअली में वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड हुआ करते थे। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग क्या है ये। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड हुआ करते थे, ठीक है, और मैग्नेटिक ड्रम्स ये लोग यूज़ करते थे अपनी मेमोरी के लिए। एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होते थे चलाना ये और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे ये लोग उस टाइम पे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में और ये रिलाई किया करते थे किस पे, मशीन लैंग्वेज पे, और इसको लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लोग समझते थे। और कोई भी काम करने के लिए एक्चुअली में ये लोग ना सिर्फ एक ही काम, एक असाइनमेंट टेंसली ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, एक वक्त पे सिर्फ एक काम करते थे। और इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल इनसे किया जाता था। इसकी एग्जांपल्स अगर पूछेगा कोई क्वेश्चन में, एग्जांपल्स इसकी क्या है, जैसे कि यूनिवैक या इनैक, ये जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन में से कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन। तो इसमें ऑप्शंस में हमारे पास हैं, लेकिन ये फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर वो कह रहा है आपको फोर्थ जनरेशन में लाया गया था, एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जोड़ा गया और बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप्स। बट इज द फर्स्ट जनरेशन फील्ड इन एंटायर रूम, कह रहे हैं कि पहली वाली जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो एक पूरे रूम में आते थे, बट अब ये कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में आकर के इतना हो गया कि आप इसे अपनी हथेली में रख सकते। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल दे रहा है वो इंटेल 4004, जिसको डेवलप किया गया था 1971 में, ओके जी। और इसमें यूज़ किया, ये यहाँ पे फ्रॉम ऑल सीपीयू एंड मेमोरी इनपुट, ये सारी चीज़ें इनको सिंगल वन सिंगल चिप में यूज़ किया जा रहा है। चलिए दिस स्मॉल कंप्यूटर जो थे ये बहुत पावरफुल थे और ये बहुत सारे नेटवर्क्स में इवेंचुअली काम करते थे, ठीक है। अगला चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगला कह रहे हैं कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो किस चीज़ से मिलकर के बने थे? तो इसका सही जवाब है हमारा ट्रांजिस्टर से। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब्स को। हमने पढ़ा जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पे काम करते थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर एक्चुअली में ट्रांजिस्टर्स पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किया गया था साल 1947 में, बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड, ये ज़्यादा देखे नहीं गए अंटिल 1950 तक। और ट्रांजिस्टर जो थे वाज फार सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब्स, ये ट्रांजिस्टर जो थे ये ज़्यादा बेहतर थे वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो थे अब ये पहले वाले कंप्यूटर से और ज़्यादा स्मार्टर, चीपर और रिलायबल थे, ज़्यादा एफिशिएंट थे काम करने में, जो कि हर जनरेशन के साथ इसमें डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन होती रही। चलिए आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ ए नॉन वोलटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वोलटाइल मेमोरी है। मेमोरीज के नाम आपके सामने हैं और इसमें जो सही है वो है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, हम इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम जो है एक्चुअली में नॉन वोलटाइल मेमोरी है और इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और जानना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं।